सारे धर्मां दे जेलां दे विच बंद कैदियां दी लंबे समय तो ना हो रही रिहाई दे कारण किसान यूनियन एकता उग्राहा अते मोगा दे विच डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तर दे बाहर धरना लगाया गया। राष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री दे नाम डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दिता गया अते अपनियां मंगां नूं लैके इस वेले किसानां दे वल्लों अते इस मोर्चे दे विच पहुंचे हुए लोकां दे वल्लों मीडिया दे नाल वी गल्लबात कीती गई। की कहना सी उहनां दा, आओ सुणांदे आ तुहानूं। जिहड़े किसी भी जात दे, किसी भी धर्म दे, किसी भी गोत नाल, किसी भी मजहब नाल संबंधित कैदी ने जिहड़ी अपनी सज़ा पूरी कर चुके ने, असी उन्हां नूं रिहाई, उन्हां दी रिहाई कर ली। किसान यूनियन एकता ग्रहां अज वड्डी पद्धर ते सारे भारत विच ये डीसियां दे दफ्तरां मूहरे मंग पत्र देण आया तां कि जिहड़े ओह कैदी अपनी सज़ा भुग चुके ने उन्हां नूं रिहा किया जाए, उस लई असी मंग पत्र देण आया। जिवें असीं गुरद्वारां विच सरबत दा भला मंगदे हां, भावें चंडीगढ़ भी धरना लग्या है, वह बंदी सिंघां दी सिर्फ रिहाई की मंग करते हैं। पर जिहड़े गुरदीप सिंह पेरोल ते आए ने हुण बंदी सिंह, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, सारे धर्म का चाहे कोई गोत का हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, जिहड़ा आपदी सज़ा भुग चुके है उन्हूं रिहा कर लिया। असीं अपनी जिहड़ी अगराहां जथेबंदी है, असीं वड्डे अंदोलन करके अज मंग पत्र देण आया, यही मंग पत्र देने आया डीसी नूं, सरकारां नूं जगाउण आया कि उन्हां नूं रिहा किया जाए, जिहड़ी उह वाधू सज़ा भुगत रहे ने उन्हां दा उन्हां नूं मुआवजा दिता जाए। हाँ जी, अज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वल्लों इस मुद्दे ते पूरे पंजाब च धरने दिते जा रहे हैं कि जिहड़े भी धर्म दे, किसी जात दे, किसी इलाके दे जिहड़े भी कैदी सज़ा पूरी कट चुके हैं कानून मुताबक, उन्हां सारयां नूं बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे उन्हां विचों कई कई साल वध सज़ा कट्टी बैठे अजे भी जेल च बैठे आ। ये सरासर बेइंसाफी है उन्हां दे नाल। इस बेइंसाफी के विरुद्ध अज 19 जिलों के 20 थावां ते धरने लाए जा रहे हैं। 2 अमृतसर के एक SDM दफ्तर भी हैगा, बाकी सारे जिलों च DC दफ्तर धरने ला के मंग पत्र दिते जा रहे हैं। तो असं ये समझते हैं भी किसी एक धर्म की आवाज़ उठाने वाले मंग नहीं मनी जानी, ये समुचे मेहनतकश लोगों की आवाज़ जदों सारे धर्मां दे सारियां जातां दे ते उन्हां दी सांझी मंग उभारांगे, जिहदी पुष्टि एक जेल चों पैरोल ते आए सिंह गुरदीप सिंह खेड़ा ने भी करती, जिहड़ा 25 साल की सज़ा तो बाद 2 महीने की पैरोल ते मसां छड्डिया, उन्हें भी कहता भी सारे धर्मां जातां दे कैदियां की आवाज़ उठानी चाहिए है, कल्ले सिंघां की आवाज़ नाल कुछ नहीं बनना। साडी जथेबंदी का भी यही पैंतड़ा है कि सारे पूरे देश के जिन्हें भी यहोजे कैदी किसी भी धर्म के किसी भी जात के किसी भी इलाके के उन्हां सारयां नूं बिना शर्त रिहा किया जाए, तो हज़ारां की गिनती च जिहड़ा बिना मुकदमा चलाए, सुनवाई नहीं हो रही, ट्रायल नहीं हो रही, वह भी हज़ारां की गिनती च बैठे आ जेलां च, उन्हां दी ट्रायल तुरत करके सारयां नूं जिहड़े सज़ा भुगत चुके आ पूरी उन्हां नूं रिहा की जाए, जिन्हां की वध सज़ा होगी उहदा मुआवजा दिता जाए, उन्हां दा हक बनता। साडे इस धरने की अज मुख जिहड़ी मंग है भी जिहड़े सज़ा पूरी कर चुके कैदी आ वो किसी भी धर्म के होण, किसी भी इलाके के होण, उन्हां नूं सरकारां बिना शर्त रिहा करन, क्योंकि 14 साल हुंदी आ उम्र कैद आ जिहड़ी, जिहनूं टांडा लग जाए वह 20 साल हुंदी आ, पर अज जिहड़े 28-28 30-30 साल आपदी जिहड़ी सज़ा वह कट चुके आ, पर इत्थों दीआं सरकारां जिहड़ियां एक बहाना बनाई बैठिया कि यह देश ध्रोही बंदे आ, जे छड़ते इत्थे माहौल खराब होजू, फिर भला सरकारां कादी खातर होंदियां, जे कोई खराब करूगा उन्हूं दुबारा फिर फड़ लिओ। पर इन्हां दा सीधा स्पष्ट आ कि लोगों नूं दबा के रखना कानून आ जिहड़ा इत्थों दा, वह दोधारी आ, तकड़ियां लई होर आ, माड़ियां लई होर है। असीं जण दी खुले दिल नाल इह जिहड़ा धरना है उहदे च सारे धर्मां दी जिहड़ी मंग कीती आ, जिहड़ा चंडीगढ़ धरना लग्गिया वा उह सिर्फ तो सिर्फ बंदी सिंघां दी रिहाई मंगदे आ, असीं कहिंदे नहीं, साडे गुरुआं ने सानूं इह दस्सिया कि सारे जिहड़े धर्म आ बहुत ही सत्कारयोग आ, सारे ही धर्मां दे जिहड़े बंदे आ उह अज जेलां च जिहड़ी नरक दी जिंदगी कट रहे आ, इत्थों दीआं जिहड़ा राजकर्ता लोक आ उह उहनां ते टांडा ला के जण दी सारी उम्र
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।